दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रकरण में 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज होता है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, बीएसपी के जिला अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी उसमें शामिल बताए जाते हैं, जिस प्रकार से लड़की प्रार्थना पत्र देती है। ललितपुर पुलिस द्वारा अभी तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हमने एक बार पहले आवाज उठाई थी कि आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, क्यों मामले को ठंडी बस्ती में डाल दिया गया है। फिर खबर एक और आ रही है सामने कि ललितपुर पुलिस ने एक और आरोपी के लिए गिरफ्तार किया है और वैधानिक कार्रवाई के लिए उसे आगे बढ़ा दिया गया है। अभी भी टोटल गिरफ्तारी की अगर हम बात करते हैं तो टोटल गिरफ्तारी जो हुई है वो हुई है 15, और पुलिस का यह कहना है कि हमें केवल 22 गिरफ्तारियां करनी है। तो अगर 22 गिरफ्तारियां भी करनी है तो अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो फरार चल रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं ललितपुर एसपी निखिल पाठक से कि आखिर गिरफ्तारियां कब होंगी? इतने संगीन मामले में गिरफ्तारियां अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? क्या कारण है, क्यों मामले को ठंडी बस्ती में डाला जा रहा है? जितनी जल्दी गिरफ्तारियां होंगे उसी तरीके से केस जल्दी से कहें कि चार्जशीट पेश हो जाएगी और सुनवाई आरंभ हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मामले को ठंडी बस्ती में डालने की कोशिश की जा रही है और उन लोगों को कहीं ना कहीं और भागने का मौका दिया जा रहा है। आखिर कब पकड़ेंगे और अब जो फरार हैं आरोपी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, क्यों जो टीमें बनाई थी वो काम करती नजर नहीं आ रही है। नमस्कार।